वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज गाड़ी आई है हमारे पास मारुति सुजुकी की जैन स्टीलो BXi मॉडल, और गाड़ी में कस्टमर की कंप्लेंट है कि इसका सेंट्रल लॉकिंग काम नहीं कर रहा है, गाड़ी रिमोट से लॉक अनलॉक नहीं हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो दिखाने वाले हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो ये रिमोट हमारा अभी वर्क नहीं कर रहा है ना, काम कर रहा है। ठीक है, और ये रही हमारी ड्राइवर साइड की डोर की गन, तो ये गन भी हमारी काम नहीं कर रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये चाबी स्विच जो है गाड़ी का, जो चाबी स्विच है, जैसे चाबी स्विच में लगा लिया है तो उसको जैसे ऑन करके ऑफ करते हैं तो गने बोलने चाहिए, गन बोलती है, जैसे गाड़ी अनलॉक हो रही हो गन बोलती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये भी सिस्टम हमारा काम नहीं कर रहा है, ये भी काम नहीं कर रहा हमारा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ दिखाते हैं फ्रेंड्स, ये मैनुअल डोर से गाड़ी चारों गेट लॉक हो रहे हैं, ये फ्रेंड देख सकते हो उसमें, जैसे मैनुअल इसका करते हैं ये हमारे चारों चल रहे हैं। ठीक है, ये रहा पीछे का, ये भी चल रहा है, और ये रहा हमारा इस साइड का। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे हमारे काम कर रहे हैं। और इसमें दिखाते हैं अब दूसरा, मतलब इसमें दिखाते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो इसके सबसे पहले ड्राइवर साइड में और कंडक्टर साइड, पैसेंजर साइड, आगे पीछे के चारों डोर के डोर लॉक इसके चेक करेंगे कि इसके डोर लॉक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर डोर लॉक काम नहीं करेगा तो रिमोट हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चाबी हमारी बाहर आ चुकी है, तो डोर स्विच चेक करने के लिए तो ये लाइट को हम डोर स्विच पर लगा देते हैं, ये हमारी डायरेक्ट हो गई, ये बीच में हमारी डोर पर हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ड्राइवर साइड का डोर ओपन करेंगे तो ये लाइट हमारी जल चुकी है फ्रेंड्स। ठीक है, ये लाइट जल चुकी है, ये ड्राइवर साइड का हमारा काम कर रहा है, ये डोर लगा दिया है और ये लाइट हमारी ऑफ हो चुकी है। ठीक है, तो दूसरा गेट ये रहा हमारा, ये खुल चुका है और ये लाइट जल चुकी है। ठीक है, ये भी डोर हमारा काम कर रहा है, आगे के दोनों डोर काम कर रहा है। पीछे के साइड देखते हैं, पीछे का साइड भी खोल दिया और ये डोर लाइट हमारी जल चुकी है। ठीक है, और इसको करते हैं बंद, ये बंद हो चुका है और ये लाइट हमारी बंद हो चुकी है, मतलब इसके चारों डोर गाड़ी के काम कर रहे हैं, चारों डोर गाड़ी के काम कर रहे हैं, मगर इसका जो सेंट्रल लॉकिंग है वो काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सारा सिस्टम हमारा सही है। इसके बाद सबसे पहले गाड़ी के फ्यूज चेक करते हैं कि फ्यूज कोई हो सकता है, कोई फ्यूज उड़ा हो गाड़ी का, तो फ्यूज बॉक्स में इसके फ्यूज चेक करते हैं। तो इसके लिए गेट खोलते हैं और गेट खोलने के बाद में चाबी को ऑन पोजिशन पर करते हैं, ये चाबी ऑन हो चुकी है, मीटर पर हमारे लाइट आ चुकी है, तो फ्यूज बॉक्स इसका हमारा नीचे की साइड है। तो ये नीचे आ चुके हैं और ये रहा हमारा फ्यूज बॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्यूज बॉक्स रहा, तो इसके सारे फ्यूज चेक करते हैं, हो सकता है इसमें एक आध फ्यूज उड़ा हो, तो इसी कारण से सेंट्रल लॉकिंग हमारा काम ना कर रहा हो। तो ये इसमें पावर आ रहा है, इसमें भी पावर आ रहा है, सारे फ्यूज हमारे इस लाइन के सही हैं, ये दूसरी लाइन के हो गए, ये भी फ्यूज हमारा सही है, तो फ्रेंड्स सारे फ्यूज गाड़ी के सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तब भी हमारा सेंट्रल लॉकिंग काम नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिखाते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो सबसे पहले चाबी गाड़ी की करते हैं ऑफ, ये चाबी हमारी ऑफ हो चुकी है, और ऑफ होने के बाद जैसे हमने ड्राइवर साइड का डोर खोला तो फ्रेंड्स इसमें आवाज़ सुन सकते हो आप, जो बीप की आप बीप का जो साउंड आ रहा है, ये बीप का साउंड नहीं आना चाहिए, ये बीप का साउंड हमारा आ रहा है, इसमें बीप का साउंड नहीं आना चाहिए, और चाबी ऑन करने पे ये साउंड चला जाता है। तो चाबी ऑन करते हैं, ये साउंड हमारा जा चुका है। ठीक है, ये साउंड हमारा जा चुका है, और ये चाबी ऑफ करी तो ये साउंड वापस से आने लगा, और जैसे ही डोर लगा देंगे तो ये साउंड जा चुका है। ठीक है,
साउंड जा चुका है और साउंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर साउंड आएगा तो गाड़ी का रिमोट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस डोर को खोलते तो प्रोग्रामिंग करके दिखाते हैं रिमोट हमारा प्रोग्राम होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए चाबी ऑन करके ऑफ करेंगे, ठीक है, और तीन बार डोर को, एक दो तीन, ठीक है, और चाबी ऑन करके ऑफ करेंगे तो गने हमारी बैक मारेंगी। ये गन भी हमारी बैक नहीं मार रही है, गन भी हमारी गाड़ी की बैक नहीं मार रही है, ठीक है फ्रेंड्स, गन भी बैक नहीं मार रही है, और गाड़ी का जो मैनुअल होता है मैनुअल काम कर रहा है, मैनुअल हमारा परफेक्ट काम कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें जैसी चाबी अपन लगाते हैं गाड़ी में, चाबी लगा के ऑन करके ऑफ करते हैं तो गन हमारी बोलना चाहिए, गन भी नहीं बोल रही है, ठीक है, और इसमें जो साउंड आ रहा है वो साउंड भी नहीं आने चाहिए। तो इसमें दिखाते हैं इसका जो सेंसर होता है चाबी स्विच में, जो दो बार का सेंसर होता है, उसको कवर को मैंने खोल लिया है, ये कवर हमने पीछे के साइड से खोल लिया है इसमें, और ये रहे हमारे दो बार, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वायर को जैसे ही हटाएंगे, अभी साउंड आ रहा है इसमें गाड़ी में, आप देख सकते हो डोर स्विच गाड़ी का खुला है और डोर लाइट हमारी आ रही है और ये साउंड आ रहा है, जैसे ही ये तार हटाएंगे तो ये डोर स्विच हमारा साउंड जो है चला जाएगा। ये गन बोली हमारी, गन बोल चुकी है, ठीक है, ये गन लगी है और जैसे ही हटाएंगे गन बोल चुकी है, ये गन हमारी बोल चुकी है। तो एक बार चाबी ऑफ करके ऑन करके वापस से दिखाते हैं हमारी गन बोली या नहीं बोली। तो ये तार को मैंने जैसा लगा था वैसे ही इसको लगा दिया है, ठीक है, तो चाबी ऑन करके ऑफ करते हैं, अभी गन नहीं बोली है, जैसी तार हटाएंगे तो गन हमारी बोलेगी, ये बोली गन, ठीक है फ्रेंड्स, गन बोली। तो ये वायर को हमने अलग हटा दिया है, इस वायर को अलग कर दिया है, और इसके बाद में प्रोग्रामिंग करके देखते हैं और गाड़ी हमारी प्रोग्राम होती है या नहीं होती है। तो इसके लिए मैंने डोर खोल लिया है गाड़ी का, चाबी करते हैं ऑन, ऑन करके ऑफ की, गन हमारी बोली, और उसके बाद में जैसे तीन बार डोर से दबाएंगे इसका, एक दो तीन, ठीक है, और उसके बाद में चाबी ऑन करके ऑफ करेंगे, ये गन हमारी बैक मार चुकी है फ्रेंड्स, और ये लॉक का बटन, ये लॉक का बटन हमारा काम कर चुका है। और अब दिखाते हैं गाड़ी का रिमोट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स ये काम करने लगा, ये अनलॉक हो गई, ये लॉक हो गई, और इसमें जो मीटर पे इंडिकेटर भी नहीं आ रहे थे, ये अनलॉक और ये लॉक, ये ड्राइवर साइड का हमारा अनलॉक लॉक, ये रिमोट हमारा वर्किंग में आ चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो बीप का साउंड आता है इसमें वो साउंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो सेंसर होता है चाबी स्विच के पीछे जो सेंसर होता है वो सेंसर ख़राब हो जाता है, तो गाड़ी का रिमोट वर्किंग में नहीं आता है, छोड़ देता है वर्किंग, ठीक है। और ये चाबी जैसी अपन ऑफ करके गाड़ी की ऑन करके ऑफ करेंगे तो गन हमारी बोलने चाहिए, ये गन बोल रही, गन नहीं हमारी बोल रही थी पहले, पहले गाड़ी में गन काम नहीं बोल रही थी, ठीक है। तो चाबी गेट भी लगा लेंगे तब भी गन बोलेगी गाड़ी की, ये बोली, ये बोल गई, ठीक है फ्रेंड्स। और ये रिमोट हमारा वर्किंग में आ चुका है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये डोर लाइट है हमारी, गाड़ी अनलॉक पोजीशन पर लाइट नहीं बुझेगी, लॉक करेंगे गाड़ी को डोर लाइट हमारी बुझ जाएगी, ये लाइट हमारी जा चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स।